सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम 12th नंबर क्वेश्चन की बात करें, अयुब और अनीता, अयुब और अनीता क्या है, दोनों के दोनों पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनकी, 3:2 है। डिसाइड करते हैं कि हम 1 अप्रैल 2015 से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल कर लेंगे। मतलब अगर बात करें ये क्या उनकी ओल्ड रेशियो है और वो क्या करते हैं कि हम न्यू रेशियो बना लेंगे 1:1 के अंदर। लिखा है ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का मतलब एसेट की जो वैल्यू दोबारा से चेंज हुई है, जो पुरानी हमने परचेज की थी आज के टाइम में उनकी वैल्यू निकाल ली गई, तो तब हमने कंसीडर किया, नोटिस किया कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट थी, कंप्यूटर था जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया और जिसकी वैल्यू कितनी थी, 5,000। मतलब 5,000 का हमारे पास कंप्यूटर था और ये पुराना कंप्यूटर था जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आज मिल गया। लेकिन है किसका, ये पुरानी रेशियो का है। आयुब क्या कहता है, क्योंकि आयुब की बात करें, आयुब का ओपिनियन है दैट इट शुड बी क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि भाई इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया जाए। लेकिन अनीता क्या कहती है, क्योंकि अनीता को मिल रहा है, ओपिनियन क्या कहती है कि हम इसे कैपिटल अकाउंट में डाल दें और वो भी किस रेशियो में, इक्वल प्रोपोर्शन में, क्योंकि अनीता को फायदा हो जाएगा। अनीता एग्री टू व्यू ऑफ अयुब। अब अनीता क्या हो जाती है, एग्री हो जाती है, जो व्यू किसके द्वारा दिया जाता है, अयुब के द्वारा। एक्सप्लेन करो उस आर्ग्यूमेंट को जो किसके द्वारा फॉरवर्ड किया गया था, अयुब के द्वारा, जिससे अनीता को एग्री किया है कि जो ये प्रॉफिट है या जो कंप्यूटर है एसेट है, ये हमारे पिछले जो बिजनेस की रेशियो है उसके अकॉर्डिंग है, ना कि नई रेशियो के अकॉर्डिंग। नई कोई एसेट आएगी तब इसी रेशियो में आएगी, लेकिन जो पुरानी एसेट है उस पे हम पुरानी तरह से डील करेंगे। तो जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिया होगा ये पुराने के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट दिया होगा कि जो ये एसेट है ये पुरानी जो हमारी रिलेशनशिप है या पुराना जो हमारा रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का उसके बेसिस पे है। इसीलिए क्या कर दिया होगा, अनीता के द्वारा, जो आयुब के द्वारा एक प्रपोजल दिया होगा या इस प्रकार से आर्ग्यूमेंट दिया होगा जिससे कि अनीता को एक्सेप्ट करना पड़ा उसको। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।